और जो ये बिल्डिंग दिख रही है हमें, इस ये है लेबर कैंप और यहाँ से पैसा भेजा जाता है। और ये है मलके की दाल, इसमें रेट है 750। और हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे दीपू बाड़ी व्लॉग्स पे। और मेरा नाम है दीपक सिंह, हमारे पाजी पंजाब से पाजी, और मैं हुई भी दुबई में। तो अभी हम आ रहे थे होटल से जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ, आज 1 तारीख है, तो आज हमने सैलरी ले ली सबने, तो सैलरी लेके अब मैं वापस रूम की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने तो जॉब छोड़ दी उस टाइम से, मैं फिलहाल बेरोजगार बैठा हूँ इधर दुबई में। तो हम अभी जा रहे हैं सामान लेने के लिए थोड़े बहुत, क्योंकि अब रूम पर रहता हूँ तो खाना पीना तो फिर खाना ही पड़ेगा जीने के लिए, तो थोड़े बहुत सामान वामान लेके आता हूँ वहाँ से, प्याज टमाटर और पराठे के पैकेट जो भी है, और अंडे की ट्रे अगर मिल जाती है तो। और अभी फ़िलहाल आगे बहुत क्या बोलते हैं उसको ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक है आगे को, तो अभी शाम का टाइम है तो अभी काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है इधर यहाँ भी। तो आज तनख्वाह मिली है पाजी को, तो आज पाजी घर भेज रहे हैं पैसा, तो इसलिए हम वहीं जा रहे हैं हल्कुस, उसी बहाने हम सामान भी ले लेंगे वहाँ से। तो ये मैं ब्लॉग बनाने का मकसद मेरा ये है क्योंकि मैं दुबई फर्स्ट टाइम दुबई आया, और वो भी अनजान देश में, और यहाँ मैंने केवल 5 महीने नौकरी की, उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, तो ये फिलहाल मैं बेरोजगार हूँ। तो ये मतलब कैसा फील हो रहा है मेरे को, ये सब मैं कैमरे में कैद करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब मुझे मैं अपनी वीडियो देखूँगी तो मुझे लगे कि हाँ उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो अभी फिलहाल क्योंकि मैंने अभी जॉब छोड़ दी है, और मैं फिलहाल कुछ टाइम से 10 दिन हो गया मुझे रूम में बैठे बैठे बेरोजगारी, और मैं अभी प्राइस शहर में हूँ जहाँ लोग हमारी भाषा भी नहीं समझते। तो फिलहाल अभी क्या ही बताएं आपको, हम बस इसी चीज़ को हम कैमरे में कैद करना चाहते हैं बस, दैट्स इट। तो मैंने नौकरी क्यों छोड़ी इधर, मैं आपको उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा बाद में। तो जिस जगह हम जा रहे हैं अल्कुस नाम वहाँ का, और तो वहाँ काफ़ी अच्छा सामान मतलब सस्ता सामान मिलता है काफ़ी, और जैसे कि हम अगर सुपर मार्केट से अगर 1 किलो प्याज लेते हैं तो हमें कम से कम 5 दिराम का मिलता है, और वही 1 किलो प्याज अगर हम उस जगह से लेते हैं तो हमें 2 दिराम का 1 kg मिलता है प्याज, मतलब लगा लो 2 दिराम मतलब इंडिया के हिसाब से 40 रुपये, और 5 दिराम मतलब इंडिया के हिसाब से वही हो गया 100 रुपये, काफ़ी फ़र्क है। तो हम वहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हम आपको दिखाएंगे वहीं से सामान भी ले लेंगे हम। तो अभी हो रखी है रेड लाइट, और काफ़ी भीड़ है इधर क्योंकि अभी सब लोग ड्यूटी से घर जाते हैं अभी शाम। और जो आप सामने देख रहे हो यह है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, और अगले ब्लॉग में आपको मैं यहाँ ले चलूँगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल। ओके जी। और ये बेचारा पेन बेच रहा है, इसका एक हाथ नहीं है, ये दुबई में भी ऐसा होता है जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि ये रोड के किनारे मतलब ये लाल बत्ती पे लोग पेन वन बेचते हैं, इस तरह दुबई में कहीं कहीं जगह होता है ऐसा। बेचारे का एक हाथ नहीं है, और ये देखो कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, कितना प्यारा, शाम को जब सूरज ढलता है ना बहुत ही मस्त लग रहा है। और ये जो आप बाईं साइड में देख रहे हो ये है दुबई बस, और इसमें मेट्रो कार्ड का यूज होता है, अगर आप इसमें सवारी करोगे तो मेट्रो कार्ड का यूज होता है इसमें। तो हम उतर चुके हैं बस से, अब हम जाते हैं मार्केट की ओर जहाँ थोड़ा बहुत सामान खरीदना है, जहाँ से ये रही बस हमारी जो ड्यूटी मतलब ड्यूटी से हमें ले जाती है जो आना जाना बस। और आप ये जो ये लोग देख रहे हो दौड़ते हुए, ये बेचारे लेबर हैं, और ये लेबरी करके आ रहे हैं बेचारे, दिन भर थके हारे सोच रहे होंगे कि कब हम रूम पे पहुँचा कर आराम से बैठें। और ये जो ये लोग देख रहे हो आप, ये लोग अंदर की ओर फ़ोन चलाते हुए देख रहे हो, ये लोग फ्री में वाईफाई यूज़ करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि बगल में बिल्डिंग है एक जहाँ पे फ्री वाईफाई चलता है। और इस जगह का नाम है अल्कुस, और यहाँ ज़्यादातर लेबर लोग रहते हैं जो मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेबर लोग वही लोग रहते हैं यहाँ पे। और जो ये बिल्डिंग दिख रही है हमें, इस ये है लेबर कैंप, इसमें सारे लेबर लोग रहते हैं जो मजदूरी करते हैं, और ये सारे बेचारे अपना ड्यूटी पूरी करके थके हारे अब घर के ओर जा रहे हैं अपने रूम की ओर। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही भीड़ है, और आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं सारे लोग अपना परिवार घर छोड़ के विदेश में नौकरी करने के लिए आ रखे हैं बेचारे, और यहाँ से पैसा भेजा जाता है यहाँ से अपने देश कहीं भी, चाहे नेपाल इंडिया या पाकिस्तान कहीं से भी इधर पैसा भेज सकते हो आप। और ये रहा ये सुपर मार्केट, और इसके अंदर मैंने अभी जाना है सामान लेने के लिए, मैंने लाना है यहाँ से पराठा ले जाना, पराठा का पैकेट और एक ऑयल का डब्बा ले जाना मैंने। और देखिए इधर सामान मतलब काफ़ी सस्ता सामान मिलता है, इतना सस्ता भी नहीं, मगर जहाँ जिस जगह में हम रहते हैं वहाँ से मतलब थोड़ा बहुत सस्ता ही मिलता है सामान यहाँ बस।
और ये देख सकते हो सब्जियों का रेट भी लिखा है। ये शिमला मिर्च है, यहाँ ये शिमला मिर्च है करीब 6 दिराम, मतलब कि इंडिया के हिसाब से 120 रुपये किलो शिमला मिर्च है। और ये मूली, पालक, तेल के डब्बे, और यहाँ पे दाल हैं सारे। और ये है मलके की दाल, इसमें रेट है 750 और इंडिया के हिसाब से लगाया जाए तो 157, मतलब 150 रुपया करीब इंडिया के हिसाब से इसका रेट है। और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यह है मसूर की दाल, इसमें लिखा है 1050, मतलब इंडिया के हिसाब से 220 रुपये का यह मसूर की दाल है। और अब दिखाता हूँ मैं आपको चने की दाल, ठीक है। चने की दाल में रेट है कितना है, 1199, मतलब 12 दिराम करीब, 252 रुपया इंडिया के हिसाब से। और यह चने की दाल 69, मतलब 7 दिराम के हिसाब से बताता हूँ, 147 रुपये किलो चने की दाल। और यहाँ पे है ये मच्छियाँ हैं, सारी मच्छियाँ जितनी भी सारी दिख रही हैं आपको, और इसी के नीचे रेट भी लिखा होता है मच्छियों का। और मुझे तो इससे कुछ लेने देना है ना, तो मैं ऐसे ही इसको देख रहा हूँ प्राइस आपको दिखाने के लिए। क्या क्या मुझे नहीं पता। और ये देखिए, और ये देखो सारे सब्जियाँ हैं, और ऊपर ये है 5 ग्राम लगभग का, और नीचे क्या है, ये है बैंगन, देखिए 5, मतलब 6 ग्राम का लगभग, 120 रुपये किलो बैंगन। और ये नींबू, और इधर को दिखाता हूँ आपको केला, 4.95, मतलब इंडिया के हिसाब से हो जाता है ये केला 105 रुपये किलो। ये यहाँ पे पन्नी है, आपको जो भी सामान लेना है, प्याज टमाटर जो भी है, तो यहाँ से आप पन्नी उठा लो और भर लो उसको, ठीक है। अब मैं लेता हूँ 1 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर चाहिए मुझे। ये है सारा सामान, कोलगेट साबुन तेल वेल, तो यहाँ सस्ता तो क्या होना, ये है तेल, रिफाइंड ऑयल, काफ़ी महंगा तेल है। अभी मैंने भी तेल लेना है क्योंकि मैंने पराठे लेने हैं, तो पराठे तो सेकना ही पड़ेगा, तेल तो चाहिए उसके लिए। ये लूँगा मैं छोटा वाला 1/2 kg का, यह 6 ग्राम का, इंडिया के हिसाब से लगाओ तो। यस, पराठा कितने का है, 1 malwar parotha। हाँ कितने का है, वैसे भी पता नहीं है, ये मालवा चाहिए, इसको पकड़ो आप, यहाँ चाहिए स्प्रेडेड। तो मैं 2-3 पैकेट और ले लेता हूँ पराठे के, क्योंकि यहाँ सस्ता है, क्योंकि यहाँ एक पैकेट है 5 दिराम का, तो इंडिया के हिसाब से हो जाता है वो 105 रुपये का। और वही चीज़ मैं अगर अपने जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से लूँ, तो मुझे एक पैकेट मिलता है 8.5 दिराम का, मतलब इंडिया के हिसाब से 180 रुपये का एक पैकेट पड़ता है। तो मैं यहीं से लूँगा पराठा 4-5 पैकेट। चाचा लुंगी वाले थोड़ा सेट हो जाओ। और एक पैकेट में 5 पराठे होते हैं इसके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो रखे पड़े हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, किशमिश, बादाम, बहुत चीज़ें हैं जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मगर यहाँ का रेट बताता हूँ। ये जो भी देख रहे हो आप, काजू, किशमिश, बादाम, इन सब का रेट है यहाँ 40 ग्राम लगभग सबका। ये देखो 39, मतलब इंडिया के हिसाब से लगा लो 800 या 850 के हिसाब से सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है आपको। अलग अलग वैरायटी के हैं ये सारे, और इनको तो मैंने लेना नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ये चाचा शर्मा रहे बेचारे। तो जो कुछ लेना था मैंने ले लिया, और देखो बाहर आ गया मैं, यहाँ पे एक बंदे ने रेडी लगा रखी है और कोई चाय पी रहा है। तो देखो काफ़ी भीड़ है इधर, क्योंकि सारे लेबर लोग रहते हैं। और अब हम निकले घर की ओर, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है। तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो हमने जो भी सामान खरीदना था हमने खरीद लिया है, और अब हो चुका है रात, अभी बज गए यहाँ के हिसाब से 7:30 हो चुका है, और अब हम निकल रहे हैं रूम की ओर। तो ये वीडियो यहीं तक, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।